हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जियास कुकिंग। आज की वीडियो है चॉकलेट बर्थडे केक, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर कि आप हमें बर्थडे केक बनाना सिखा दें तमाम तरह टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट बर्थडे केक और तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट केक का स्पॉन्ज, और इसके लिए लिए हैं अंडे मैंने 4 अदद, और इनका रूम टेम्परेचर पे होना लाजमी है। और ये तो थी पहली टिप जो मैंने आपको दी, और इसको बीटर की मदद से बीट करेंगे इसके फ्लफी होने तक। और अब इसमें शामिल की है पाउडर्ड शुगर 100 ग्राम, और अगर आप इसे कप में मेजर करें तो ये तकरीबन 3/4 कप के करीब शुगर है, और इसको मैंने घर में ही पीस लिया था, जिसे आप कैस्टर शुगर भी कहते हैं। और शुगर ऐड करने के बाद इसको बीट करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, या उस टाइम तक जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाता। और अब इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस, अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वनीला एसेंस ऐड कर लें। और अब इसमें शामिल किया है ऑयल 1/3 कप, और ये मेरे पास मेजरिंग कप्स हैं, और आप लोग भी अगर मेजरिंग कप्स यूज़ करेंगे तो सेम रेसिपी बनेगी एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ। और ये थी दूसरी टिप जो मैंने आपको बताई, और अब इसको बीटर की मदद से बीट करेंगे इसके फ्लफ़ी होने तक, और जब ये अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाएगा तो इसको हम साइड पर रख देंगे, और इसके बाद हम अब ड्राई इन्ग्रीडियंट्स पर काम करेंगे। और इसके लिए लिया है मैदा 100 ग्राम यानी 3/4 कप। 3/4 कप का मतलब यह है कि आप 1 कप में से 2 टेबल स्पून मैदा निकाल लें। और इसमें शामिल किया है 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह छान लेंगे। और आप जब भी यूज़ करें इन चीज़ों को हमेशा छान के यूज़ करें। और ये थी तीसरी टिप जो मैंने आपको बताई, और इसके साथ ही इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर देंगे वेट इंग्रेडिएंट्स में, और इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे 2 से 3 बार, और इसको स्पैचुला की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से घुमा लेना है एक ही डायरेक्शन में। और यहाँ पे बीटर नहीं यूज़ करना, हैंड विक्स वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करना, आपने स्पैचुला की मदद से जितने हमारा रह गया है मिक्सचर वो सारा डाल के इसको हल्का हाथों से घुमा लेना है। और जब सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और इसमें कोई लम्स नहीं रह जाएगा, तो फिर इसको हम डाल देंगे बेकिंग पैन में। और ये मेरे पास 8 इंच राउंड बेकिंग पैन है, और इसको ऑयल की मदद से ग्रीस किया, और इसमें बटर पेपर लगा के इसको ऊपर से ऑयल की मदद से फिर ग्रीस कर लिया ताकि ये चिपक जाए, और इसमें तैयार बैटर शामिल कर दिया। और जितना भी हमारे पास ये बैटर है उसको स्पैचुला की मदद से उतार के इसमें शामिल कर देंगे, और ये हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। और अब इसको बेक कर लेंगे, आप चाहें तो इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, और मैंने इसको स्टोव में बेक किया था, और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में रेडी हो गया था, बिल्कुल अच्छी तरह पक गया था। और जब केक रेडी हो गया तो इसको 10 मिनट के लिए साइड पर रख दिया, और याद रहे कि गरम गरम केक को ना निकाला जाता है ना ही काटा जाता है। फिर जब ये थोड़ा ठंडा हो गया तो इसका मैंने बटर पेपर रिमूव कर दिया, और अब केक को दरमियान से 2 इक्वल पार्ट्स में काट रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा जो है स्पॉन्ज तैयार हुआ था हमारा, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। और अब मैं बना रही हूँ चॉकलेट सिरप, और इसके लिए ली है कुकिंग चॉकलेट मैंने 1 कप, और इसमें शामिल करेंगे ये विपी विप वालों की मेरे पास क्रीम है, और ये मैंने 1/2 कप इसमें शामिल की, और इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया। आप लोग चाहें तो इसको डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और ये हमारा चॉकलेट सिरप तैयार है। और अब मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग, और इसके लिए ली है विपिंग क्रीम मैंने 1 कप, और जब भी आप लोग व्हिपिंग क्रीम यूज़ करें उसको चिल कर लिया करें, और जितनी ज़्यादा ये ठंडी होती है इसको उतनी व्हिप्ड होने में आसानी होती है, और इसको उस टाइम तक व्हिप करेंगे जब तक इसके स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते। और ये देखिए ये क्रीम व्हिप्ड हो गई है और इसमें स्टिफ पीक्स आ गए हैं, और इसमें हमने जो चॉकलेट सिरप तैयार किया था
वो इसमें आधा डाल के इसको विप कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि क्रीम और चॉकलेट सिरप आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और अब एक गिलास में पाइपिंग बैग लगा कर इसमें सारी व्हिप्ड क्रीम डाल देंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। और अब मैं बना रही हूँ शुगर सिरप स्पॉन्ज केक को सोक करने के लिए। इसके लिए पीसी हुई चीनी ली है मैंने 2 टेबलस्पून और गर्म पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और अब एक केक प्लेट में थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे और इसके ऊपर हम अपना स्पॉन्ज रख लेंगे ताकि ये हिले जुले ना, और जो हमने अपना शुगर सिरप तैयार किया था उसकी मदद से ये केक को हम सोक कर लेंगे। केक को सोक करना ज़रूरी होता है जिसकी वजह से ये अंदर तक सॉफ्ट बनता है और ड्राई नहीं होता केक। इसको सोक करने के बाद इसमें हम लगा लेंगे फ्रॉस्टिंग जो हमने तैयार की थी और इसको पैलेट नाइफ की मदद से इसको फैला लेंगे। इसको क्रम कोट करना कहते हैं, यानी जो केक्स में जो क्रम्स हो रहे होते हैं वो आप थोड़ी सी क्रीम लगाएं और इसको इसमें पैलेट नाइफ की मदद से फैला लें। फिर इसमें जो है चॉकलेट चिप्स हैं वो डाले हैं, फिर इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप है वो डाला है। और इसको फैला लेने के बाद इसको दोबारा से फ्रॉस्टिंग से कवर कर लेंगे। और ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग इसकी कितनी मोटी लेयर चाहते हैं फ्रॉस्टिंग की। और स्पॉन्ज रखेंगे और इसको शुगर सिरप से सोक कर लेंगे और इसको दोबारा से फ्रॉस्टिंग लगा के इसको क्रम कोट कर लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। फिर फ्रॉस्टिंग की एक और लेयर लगाकर इसको केक स्क्रैपर की मदद से इसको स्क्रैप कर लेंगे और इसको लेवल कर लेंगे इसके तमाम एजेस को अच्छी तरह। और इसके बाद केक प्लेट की बॉटम में अपनी मर्ज़ी का आप कोई सा भी डिज़ाइन बना लें और टर्निंग टेबल को आप लोग घुमाते रहें साथ साथ। और अगर आप लोगों के पास टर्निंग टेबल नहीं है तो आप किसी भी स्टैंड में रख के आप इसको बना सकते हैं। और ये चॉकलेट सिरप मैंने एक बॉटल में डाल दिया, ये भी बहुत ईजीली अवेलेबल होती है हर जगह से, और ये है कि इस तरह इसमें यूज़ करने में आसानी होती है। और अब केक के टॉप पे हम लोग डिज़ाइन बना लेंगे। और ये मेरे पास स्टार नोज़ल थी जो मैंने लगाई हुई है और इसका कोई नंबर नहीं था, वो सिंपली जो पाइपिंग बैग वाले सेट के साथ आती है वो मैं यूज़ कर रही थी। और डिज़ाइन बना लेने के बाद इसमें चॉकलेट सिरप जो था वो सारा इसमें ड्रिजल कर दिया केक के ऊपर, और इसके ऊपर जो हमारे पास चॉकलेट चिप्स थे वो सारे लगा दिए इसमें। आप जिस तरह चाहें मर्ज़ी डेकोरेट कर सकते हैं, आप नाम आप लोग अगर नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। और इसके बाद इसको रख देंगे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, और ये जितना ज़्यादा चिल होगा ये खाने में इतना ही अच्छा लगेगा। चॉकलेट बर्थडे केक तैयार है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे हैं नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करें। और जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।